योगी जी और मोदी जी, आप बे औलाद हो, बे परिवार हो, आपको ना औलाद का दर्द है और ना ही परिवार का दर्द है। आप दोनों लोगों ने ऐसी बेशर्मी की चादर ओढ़ी है जिसकी ना कोई लंबाई है और ना कोई उसकी मोटाई है। आज जिस तरीके से पूरे देश में दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन के नाम पर चालान करके पुलिस वाले इस देश की जनता को लूट रहे हैं, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। लूटना तो अलग है, आज हजारों वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि इस देश के पुलिस वाले गरीबों की छाती पर पैर रख रख के मार रहे हैं। टेम्पू वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, स्कूटर वालों को बेदर्दी से मारा जा रहा है, ऐसे कुचला जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़ों को कुचला जा रहा हो। मोदी जी, योगी जी, इतनी तानाशाही तो अंग्रेजों की सरकार में नहीं थी जितनी आपने चलाई है। मोदी जी, योगी जी, ये सब बंद कर दीजिए वरना आपका अंत बहुत बुरा होगा। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो बेभाव पड़ती है। जो साला गुनहगार है उसे तो आपने संसद में बैठा रखा है। मोदी जी, आपकी संसद में 233 अपराधी बैठे हुए हैं और जो बेचारे गरीब गुना सड़क पर वाहन चला रहे हैं उनका चालान 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का काटा जा रहा है। तुम्हारी औलादें ही नहीं हैं, तुम क्या जानो औलाद का दर्द क्या होता है। अब उसे देखो, स्वामी चिमयानंद के लिए वो लड़की कम से कम 40-45 वीडियो दिखा चुकी है पूरी सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए, और अभी तक स्वामी चिमयानंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। थू तुम्हारी सरकार पे मोदी और योगी, शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अब पानी ना मिले तो किसी गंदी नाली के गटर में डूब के मर जाना। तुम्हें इस देश की गरीब जनता मिली थी जुर्म ढाने के लिए, और वो स्वामी चिमयानंद वो आज भी खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है। पहले उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसकी गिरफ्तारी करो। इस देश में साधु और संतों ने भगवा के नाम पर जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया है, ये सिर्फ आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार हुए हैं। और अब आपने यातायात के नियम पर जिस तरीके से जनता को लूट रहे हो मोदी जी, ये बहुत बेदर्द आप हैं, और इस बेदर्द का हिसाब ऊपर वाला आपसे लेगा। देखना, तुम लोग ऐसी मौत मरोगे कि जहां मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होगा। तुम इस गरीबों के आंसुओं को जानते नहीं हो। जिस दिन ये इस गरीब के आंसू बहेंगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में सैलाब आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ना तो औरत है ना तुम्हारी औलाद है। ऐसी जिंदगी पे थू। साथियों, इस वीडियो को इतना वायरल करो कि पूरा हिंदुस्तान देखे। जय हिंद, जय भारत।